मेरे को दे दो ना, मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया है। तो मैं क्या करूँ, तूने कुछ नहीं खाया है तो? भैया कुछ पैसे ही दे दो, मैं कुछ खा लूंगी। मेरे पास इतने पैसे फालतू नहीं है जो कि तुम जैसे गरीबों को बांटता फिरूंगा। तुम जैसे भिखारियों को शर्म तो आती नहीं है। रास्ते में कोई अमीर आदमी खड़ा देखा नहीं और चल देती मुँह उठाकर मांगने के लिए। भैया दे दो ना, एक दो रुपए दे दो, मैं कुछ उसका लेकर खा लूंगी। भूख से मरती है तो मर जा। देख मेरा मूड खराब मत कर जाता। देख अब जाती है यहाँ से, नहीं जाती है, एक धुआं कान के नीचे खींच कर चल निकल यहाँ से। ए भैया कुछ खाने को दे दो। देखो नीरज, ये सारी जमीन अपनी फैक्ट्री के लिए अच्छी रहेगी ना? हाँ निरंजन, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगने से हमारे लिए अच्छा बेनिफिट होगा। हाँ सबसे अच्छी बात यह है, आसपास कोई गांव भी नहीं है। यहाँ हमारी फैक्ट्री बनने से गांव के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। निरंजन, मैं फैक्ट्री के नक्शे के बारे में बताता हूँ किस तरीके से निकाला जाएगा। साहब जी कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों री, तुझे इतनी बड़ी हो गई और तुझे भीख मांगते पे शर्म नहीं लगती है? तेरे घर परिवार में नहीं है कोई? तेरे माँ बाप नहीं है या भाई नहीं है? अरे भाई, इनके घर पर सब लोग होते हैं, पर इन लोगों को हराम के खाने की ना आदत पड़ गई है। नहीं साहब, मेरा कोई नहीं है, मैं भीख मांग कर ही गुजारा करती हूँ। मैं एक लावारिस हूँ और मुझे कोई काम भी नहीं देता है। क्या कहा तूने, कोई काम नहीं देता या फिर तुझ पर होता नहीं है? अरे यार, इनका तो ये बहाना काम न करने का, आज के टाइम में हर जगह काम है। ओए भिखारिन, हम इतनी अर्जेंटली बातें कर रहे और तूने आकर हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। अरे भाई, ये हमारा काम कैसे नहीं बिगाड़ती, ये आई तो हमारे पास ऐसे जैसे कि हम इससे शादी कर लेंगे। नहीं साहब, मैं शादी करने के लिए नहीं, मैं कुछ पैसे मांगने के लिए आई हूँ। कुछ पैसे दे दो, मैं चली जाऊंगी। ओए चल तू निकल यहाँ से, हमारे पास नहीं तो जैसे को पैसे देने के लिए, हमें को जरूरी बात करनी है। साहब जी ऐसा मत कीजिए, कुछ तो दे दीजिए ना। नहीं देते बता, खड़ी रह शाम तक। चल ज्यादा दिमाग खराब मत कर, निकल जाए यहाँ से। अरे क्या हुआ तुम्हें और क्या बात है? भैया भूख की वजह से मुझे चक्कर आ गए, मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए दे दो। क्या कहा, दो दिन से कुछ नहीं खाया है? तुम्हारे घर परिवार में कोई है या नहीं? नहीं भैया, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। जो भी मुझे कुछ खाने के लिए देता है मैं उसे ही खाकर अपना गुजारा कर लेती हूँ। तो कोई बात नहीं बहन, तू पहले मांग कर गुजारा करती थी लेकिन अब नहीं मांगेगी। तूने मुझे भाई बोला है, मुझे सुनकर यह बहुत खुशी हुई। मेरी एक बहन थी वो भी मर गई, मेरा एक सपना था उसे पढ़ा लिखा कर एक आईएएस ऑफिसर बनाऊं, पर मेरे सारे सपने खत्म हो गए। सुन, आज से मैंने तुझे अपनी बहन मान लिया, क्या तू मेरा सपना पूरा करेगी? हाँ भैया। सुन छोटी, तू पढ़ी लिखी है या नहीं? हाँ भैया, मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा बहन, तू चिंता मत कर, आगे की पढ़ाई मैं तेरी पूरी कराऊंगा। चला मेरे साथ, तुझे मैं अपने घर लेकर चलता हूँ। सुनो नीरज, उस जमीन पर हमें जल्दी से जल्दी काम शुरू कराना होगा क्योंकि जल्दी फैक्ट्री बनवानी है ना। हाँ, हम कल से ही अपनी फैक्ट्री में काम शुरू करा देंगे।
देखो भाई उस दिन वाली भिखारिन ये तो आज पढ़ने जा रही है। हाँ सत्यवीर तू ठीक कह रहा है, ये तो उस दिन वाली भिखारिन है, अभी इसे बुला। ठीक है भाई अभी इसे बुलाता हूँ। ओ भिखारिन इधर आ। बोलो साहब क्या बात है? क्यों भिखारिन, तू तो उस दिन भीख मांग रही थी और फिर बोल रही थी कि मेरा घर परिवार कोई भी नहीं है, फिर तुझे पड़ा कौन रहा है? साहब हर इंसान एक जैसा नहीं होता, किसी ने मुझे बहन बना लिया और वही मुझे पढ़ा रहे हैं। तो भिखारिन तू पढ़ के करेगी क्या, आईएएस बनने का सपना है क्या? क्या कहा यार नीरज, ये आईएएस ऑफिसर बन जाएगी, हम जैसे अमीर लोगों के बच्चे तो आईएएस ऑफिसर बन नहीं पाते, तो ये क्या बन जाएगी भिखारिन? साहब वो तो वक्त ही बताएगा कि किस्मत कहाँ लेके जाती है। नीरज चलो चलते हैं ऑफिस के लिए, कुछ वर्करों से मीटिंग भी तो करनी है। भैया आप अंदर आ जाइए। बहन तू ना आज आई ऐसा ऑफिसर बन के मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। भैया ये सब तो आपकी वजह से हो पाया है। ठीक है सोना मैं चलता हूँ और तू घर आई तो बता देना। ठीक है भैया मैं आऊंगी तो बता दूंगी। भाई भाई हमारी तीनों फैक्ट्री न्यू आईएएस ऑफिसर ने सीज कर दी। सतवीर तू क्या कह रहा है, ये न्यू आईएएस ऑफिसर हमारी फैक्ट्री कैसे सीज कर सकता है? भाई कुछ तो करो वरना हम लोग रोड पर आ जाएंगे। नीरज चलो हम इस आईएएस ऑफिसर से बात करते हैं, कहीं रिश्वत लेकर मान जाए। भाई वो आईएएस ऑफिसर लड़का नहीं बल्कि लड़की है, जो किसी की बात नहीं मान रही है वो अपने शहर में काले धंधे को बंद कर दिया है। सुनो सतवीर वो कोई भी हो, लड़की हो या लड़का, चलकर हम उससे बात तो करते हैं, जरूर मानेगी वो हमारी बात। चलो भाई देर मत करो जल्दी हम उसके पास चलते हैं। ओए भिखारिन तू इस कुर्सी पर क्या कर रही है? ओए गरीब भिखारिन तेरी औकात है इस कुर्सी पर बैठने की? ओए तमीज से बात कर, तुझे पता ही है कौन है? यही हमारे यहाँ के न्यू आईएएस ऑफिसर हैं। क्या कहा न्यू आईएएस ऑफिसर यही है? मैडम हमें माफ कर दो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कहा तुमने इस कुर्सी पे बैठने की औकात है? औकात तो तुम्हें अब पता चलेगी। मैडम आपने हमारी तीनों फैक्ट्री सीज कर दी, कृपया करके उन्हें खोल दो। वो फैक्ट्री तो तुम्हारी जिंदगी भर तक नहीं खुलेगी, बिकॉज उन फैक्ट्रियों में तुम्हारा इलीगल काम चल रहा था। नहीं मैडम ऐसा मत करो, कुछ तो हमारी मजबूरी समझो, नहीं तो हम रोड पर आ जाएंगे। क्या कहा तुम्हारी मजबूरी समझो? क्या तुमने मेरी मजबूरी समझी थी? तुम अमीर लोग गरीब लोगों को बहुत सताते हो। और हाँ क्या कहा था तुमने कि पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बनूंगी? तो लो तुम्हारे सामने आज पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बनकर बैठी हूँ। एंड यू नो व्हाट दैट, वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। हमें माफ कर दो मैडम, आज के बाद हम किसी गरीबी की मजाक नहीं बनाएंगे। सॉरी मैडम अब तो हमारी हेल्प कर दो। देखो इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, निकलो यहाँ से, गेट आउट। देखो मैडम ऐसा मत करो, हम पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे फिर। सुनो इन तीनों को बाहर निकालो। सुनो अब बाहर निकलो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।